पटना प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना की फर्जीवाड़े का आज एक एनजीओ ने किया खुलासा। इस योजना के तहत बच्चों के अन्य विकास के लिए कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस सरकारी योजना के आड़ में कुछ गलत तबके के लोग बच्चों से पैसे की उगाही करता रहा और इसी नाम से जुड़े एक अन्य शिशु विकास योजना वाली एक संस्था को फंसाने का काम किया, जिसकी पोल आखिर खोलकर सामने आ गई है। बता दें, इस संस्था के संस्थापक नीरज कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के नाम पर भी पैसे की उगाही करने वाले लोगों के बारे में उसे अनैतिक कार्य बताया और अपने संस्था को प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना से किसी तरह के संबंध में इनकार किया है। आगे नीरज कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने फर्जीवाड़े कर हमें और हमारे संस्थान को मतदान करने की कोशिश की, जिसकी जब जाँच की गई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और आखिरकार मुझे पाक साफ घोषित किया गया। पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम गरीब जो बच्चे होते हैं उनको सब्सिडी पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा और छात्रवृत्ति, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति, जो हम लोग 1000 अलग अलग भारतीय और बाहरी, मतलब कुछ इंडियंस हैं और 1000 से ज़्यादा हमारे पास NGOs हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रही है, वो उन्हीं के मदद के थ्रू हम लोग इसको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है, दुर्घटना बीमा हो, जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस, वो सारे ही हम दे रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की मदद से। छात्रवृत्ति सीधा मिलता है बच्चों को NGO के थ्रू। हमारा काम होता है उनको डेटा दे देना कि इतने बच्चे सर्टिफाई हो गए हैं, सर्टिफाइड हो चुके हैं कि इनको मिलना चाहिए छात्रवृत्ति, वो उनके खाते में सीधा पैसा दे देते हैं। अब तक जो हमने दिया है छात्रवृत्ति, उसका भी डेटा अवेलेबल है, निकाले। अब तक हम लोगों ने इतने बच्चों को छात्रवृत्ति दे रखी है, ये तकरीबन 750 बच्चे हैं, इनको कंफर्म इनके अकाउंट में पैसे मिल चुके हैं। बाकी हमने अभी तक 1200 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया, जिसमें से अभी 350 बच्चों को कोरोना के कारण हम लोग पता नहीं कर पाए कि इनको मिला है या नहीं मिला है, तो वो डेटा इस लिस्ट में नहीं है। बता दीजिए किस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ कि हाल ही में एक, अभी आप ही लोग का मीडिया चैनल में भी आया था कि प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना एक चल रहा है फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना जो है वो हमारा नहीं है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। बस सर, हमारी टीम ने क्या किया था, जब हमने इसको लॉन्च किया था 2019 में, तो हमने इसको प्रधानमंत्री से इंस्पायर होकर प्रधानमंत्री के ही नाम से करना चाहा। इसमें हमारा ये नहीं मकसद था कि हमें प्रधानमंत्री के नाम से करना है। हमने इसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्किंग के लिए जो भागदौड़ किया, जो इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत करी, तो तब हमें पता चला कि हम प्रधानमंत्री के नाम से नहीं कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ पता किया था, लेकिन हमने कभी ग्राउंड लेवल पर या कहीं भी प्रधानमंत्री के नाम से काम नहीं किया था। एक व्यक्ति था जो हमारे ही प्रोजेक्ट को कॉपी करके फर्जी प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के नाम से चला रहा था, यहीं का था जो हमारे शिशु विकास योजना में इनरोलमेंट कराएं। तो इसके लिए हमें आगाह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेन मोटिव यही है कि प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना नाम का कोई भी योजना नहीं है, शिशु विकास योजना नाम से योजना है और ये योजना 1000 अलग अलग भारतीय और बाहरी NGO की मदद से A3 & IT सर्विसेज चला रही है, जिसका आपके नाम से अगर चलाया जा रहा तो आपने FIR वगैरह किया? नहीं, उसका एक्चुअली मुझे जानकारी थी नहीं। जानकारी जब हुई जब स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच ने मुझे भी पकड़ा था, मैं भी अभी जस्ट आया हूँ छूट के। ये चीज़ मुझे क्राइम ब्रांच ने ही बताया कि आपके नाम से ये पेपर के साथ ये चल रहा है। तो हमने कहा सर, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी जाँच के दौरान पता चला कि पटना का व्यक्ति था जो इसको चला रहा था, जो जहाँ जहाँ हमारा प्रोजेक्ट शिशु विकास योजना चल रहा था उसका, वो वहीं पे एक कॉपी करके कुछ 2-4 लोगों को ठग के मार्केट में इसको लॉन्च कर रहा था। उसका कोई भी मोटिव नहीं था इंश्योरेंस देने का, ना ही उसका किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप था।
ये सारी चीज बातें जांच में पता चल गई, लेकिन इसमें हमारा भी नाम घसीट दिया गया और हमारा प्रोजेक्ट भी बदनाम किया गया। इसी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया कि हमारे प्रोजेक्ट सही है, हमारा शिशु विकास योजना प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना एक फर्जीवाड़ा है, इससे सभी आम जनता सुरक्षित रहें, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना नाम की कोई योजना नहीं है, शिशु विकास योजना नाम की योजना है जिससे अब तक 22 स्टेट में हमने लाभ दे चुका है, 22 स्टेट के लगभग लाभ हैं। हमारा अभी आसाम से हमें इसके लिए वो भी मिला है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आसाम गवर्नमेंट ने दिया है। बाकी हमने लगभग DM को भी शिशु विकास योजना की सूचना दी थी, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का मुझे क्लियरेंस देना था कि प्रधानमंत्री नाम की कोई योजना नहीं है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट ना करें, कोई भी अगर करते हैं तो केवल अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ये मेन मोटिव यही था मेरा। और शिशु विकास योजना के सारे क्लियरेंस हैं मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहें तो इसकी एक एक कॉपी ले लें, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, शिशु विकास योजना के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, लाभ मिलने वाले लोगों का भी वेबसाइट पर अवेलेबल है कि जो जो अब तक जिन्हें लाभ मिला है, तो ये चीज़ें हमें मुझे बतानी थी, इसी के लिए मेन रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। हमारा प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना से कोई लेना देना नहीं है, मेन मोटिव ये था। अब आप लोग जो क्वेश्चन करना चाहें करें सर। देखिए अभी तो हमने कॉपीराइट और ट्रेडमार्किंग इसकी ले रखी है, तो इसके अगेंस्ट तो सर्विस की मैंने कॉपीराइट ले रखा है। गिरफ्तारी मेरी हुई थी, सुरेंद्र यादव था और आदर्श यादव, वो जो दो लोग हैं वो दो लोग प्रधानमंत्री से अपना एक वेबसाइट बनाया और गलत तरीके से मार्केट से काम करना स्टार्ट किया। 91/20 स्पेशल सेल, दिल्ली स्पेशल सेल, और वो केस सर मई में हुई थी, मार्च के अराउंड में, लेकिन हमने उनको सारे पेपर प्रोवाइड करा दिए थे जब हमारे पास फ़ोन आया था, तो वो हमारे पेपर, हाँ चार्जशीट दाखिल हो गया, मेरा नाम क्लियर किया गया, तभी तो मैं बाहर हूँ सर, वो लोग अंदर हैं। मुझे ये बताया गया कि हाँ इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से काम शुरू किया था पर जानकारी के अभाव में किया था, ये चार्जशीट में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बाकायदा DM को प्रधानमंत्री के नाम से ही मेल किया था 2019 मार्च में, जब हम ले रहे थे तो बोला गया कि नहीं, DM वर्धमान के DM ने हमें बताया, बाकी किसी भी DM ने ना तो हमें हाँ किया ना किया। वर्धमान के DM के पास जब हम गए थे कि सर मुझे आप अप्रूवल दीजिए, तो उन्होंने बोला कि सर आप प्रधानमंत्री के नाम से कोई प्राइवेट वर्क नहीं कर सकते, ये आपका प्राइवेट इंश्योरेंस है। तो हमने कहा था ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या प्रोसेस, बोला आप अपना कीजिए, आपका अपना हम देंगे। और हमारे पास है भी सर, हमने लगभग 4-5 स्टेट के DM से लिया भी है, जैसे जम्मू कश्मीर से ले रखा है। नहीं, फिर भी हम इंफॉर्मेशन तो देना ही पड़ता है ना सर, ताकि कल को हमारा एजेंट जब वहाँ वर्क कर रहा हो, IRDA का हमारे पास नहीं है सर, यूनाइटेड इंडिया के पास है। तो सर पता कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चार्जशीट भी आप पढ़ लीजिएगा, चार्जशीट ऑनलाइन अवेलेबल होती है, चार्जशीट भी पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे सारे इंश्योरेंस भी वेरीफाइड हुए हैं, जो हमने अब तक 20,000 बच्चों को इंश्योरेंस दिया है, वो सारे इंश्योरेंस भी उसमें वेरीफाइड हुए, लिखा हुआ है ये चीज़ कि हाँ ये हुआ था, लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ये दो बंदे जो थे वो कर रहे थे, आदर्श यादव और सुरेंद्र यादव, जो अभी सुरेंद्र यादव, शुभेंद्र है सर, शुभेंद्र, हाँ एक पटना का है सर, एक UP का है, आदर्श यादव। ठीक है सर, अब आप पूछिएगा देखिए मामला ये था कि हम एक योजना चला रहे हैं जो 1000 अलग अलग NGO की मदद से चला रहे हैं, भारतीय कुछ NGO हैं, कुछ बाहरी NGO हैं, जिसमें हम गरीब बच्चों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं सब्सिडी रेट पे, मतलब 100 रुपये की सब्सिडी होती है, ऑलमोस्ट 100 होती है, इससे ज़्यादा ही होता है। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में, ओनली ऑन Daily Hunt।